दोस्तों नेपाल को 10 विकेटों से हराने के बाद भारत को पॉइंट्स टेबल में पहुंचा बड़ा फायदा। अब भारत की टीम सीधा पहुंच गई सुपर फोर में, तो इसके साथ पाकिस्तान को भी लग गया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल की टीम के बीच एशिया कप का 5वां मैच खेला जा रहा था और दोस्तों ये मुकाबला भारत को जीतना बेहद जरूरी था ताकि दोस्तों भारतीय टीम सुपर फोर में पहुंच पाए। और दोस्तों भारतीय टीम को बारिश की वजह से ये मुकाबला जीतने के लिए 23 ओवर में 145 रनों का टारगेट दिया था और दोस्तों कप्तान रोहित और शुभमन गिल ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेटों से बड़ी जीत दिलवाई। जहां कप्तान रोहित 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे तो शुभमन गिल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऐसे में दोस्तों भारत की बड़ी जीत से पाकिस्तान को भी एक तगड़ा संदेश गया है। जहां दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने नेपाल को 238 रनों से हराया था तो दोस्तों भारतीय टीम ने भी 10 विकेटों से नेपाल को हरा दिया है। और दोस्तों ऐसे में अब भारत की टीम ने जब नेपाल को हरा दिया है तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम को पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा पहुंचा है। जहां नेपाल की टीम तो अपने दोनों मैच हारने के बाद अब एशिया कप से बाहर हो चुकी है, तो दोस्तों भारतीय टीम ने सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जहां दोस्तों पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए में सबसे ऊपर रही क्योंकि उनकी नेट रन रेट काफी बेहतर है, तो दोस्तों भारतीय टीम ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान और भारतीय टीम के दोनों ही टीमों के 3-3 अंक है और ये दोनों टीमें ग्रुप ए से सुपर फोर में पहुंच चुकी है। और दोस्तों पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 10 सितंबर को संडे के दिन होगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय समर्थकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय टीम अब सीधा सुपर फोर में पहुंच चुकी है और पॉइंट्स टेबल में भारत को बड़ा फायदा पहुंचा है।